वेलकम बैक रुचि. ये बताइए कि डिजिटल पेमेंट के लिए मोबाइल पर बैंकिंग कैसे की जा सकती है, ज़रा विस्तार में बताइए. तो मैं इस बारे में सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो हमारा बैंक बन सकता है. कैसे, मैं वो बताना चाहूँगी कि आपका या तो स्मार्टफोन हो या सिंपल फीचर फ़ोन हो जो ब्लैक एंड वाइट है, नोकिया 1100, इंटरनेट हो ना हो, आप उसको एज अ बैंक यूज़ कर सकते हैं अपना मोबाइल फ़ोन को. इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप और डिजिटल भुगतान के तरीके हैं उनको अपना सकते हैं. अगर आपके पास सिंपल फ़ोन है और स्मार्टफोन भी है, उन दोनों ही में आप एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं USSD और *99# के माध्यम से उसको जाना जाता है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं. तो आप किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन हो, सिंपल हो, स्मार्टफोन हो, इंटरनेट हो ना हो, आप अपने मोबाइल को एक बैंक की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो ये USSD आधारित बैंकिंग क्या है, पहले तो ये बताइए, और उसकी उपयोगिता क्या है? जो USSD है वो हम, मैंने जैसे बताया कि *99# होता है. जैसे मेरा कोई भी मोबाइल नंबर है और मेरे को उसका बैलेंस चेक करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे एयरटेल का है तो *123# करके मैं अपना स्टेटमेंट चेक करती हूँ कि कितना बैलेंस बाकी है. वैसे ही *99# कोई भी मोबाइल से, वेदर सिंपल स्मार्टफोन, उस पर आप डायल करेंगे तो आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं. मुदित, हम USSD के उपयोग से कैसे पेमेंट कर सकते हैं? देखिए, USSD को इस्तेमाल करने के लिए आपका जो बैंक का खाता है वो आपके मोबाइल फ़ोन से जुड़ा होना चाहिए. तो पहली बार, सिर्फ एक बार आपको बैंक में जाके अपने बैंक के खाते को मोबाइल नंबर से जोड़ना होता है. तब बैंक आपको दो नंबर देता है. एक होता है MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जो कि मान लीजिए छोटा सा आपका खाता नंबर, मान लीजिए उसको अपने फ़ोन से. और दूसरा MPIN, जो जैसे ATM पिन होता है वैसा ये MPIN है, जो आपके ट्रांजेक्शन्स की पुष्टि करता है. तो एक बार जब आपको ये MMID और MPIN मिल गया तो आप अपने खाते से पैसे औरों को भेज सकते हैं. तो जब आप *99# दबाएंगे, जैसा रुचि ने कहा, तो आपके मोबाइल प्रोवाइडर को और बैंक को ये खबर पहुंचती है कि आप कोई लेन देन करने का इरादा रखते हैं. तो वो आपको कुछ 5-6 ऑप्शंस देंगे. उसमें बैलेंस इंक्वायरी हो सकती है, उसमें पैसा भेजना हो सकता है, उसमें अपना ATM या MPIN चेंज करना हो सकता है. तो उसमें आप जैसे निर्देश दिए गए हैं स्क्रीन पर, जब नंबर दबाते हैं, मान लीजिए आप किसी को पैसा भेजना है तो आपने उसका MMID अपने फ़ोन में डाला, रकम डाली, अगर आपको कोई छोटी सी टिप्पणी डालनी है तो वो डाली, कंफर्म किया और एक MPIN डाल के भेज दिया. और इतना सा करने से आपका, आपके खाते से पैसा दूसरे जने के खाते में पहुंच जाएगा. इसमें एक मामूली शुल्क भी होता है जो कि कम और माफ़ किया जा रहा है. इसमें बहुत सी बेहतरी और इम्प्रूवमेंट्स भी किए जा रहे हैं जो कि बहुत जल्दी आपको देखने लगेंगे. जी पुनीत, हमारे पास ये सवाल आया है कि USSD के दौरान सभी डिटेल्स डालने के बाद अगर कोई कॉल आ जाता है तो इसमें क्या करें? जी, इसमें ये समझने की बात है कि जो भी USSD के दौरान हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, वो जो ट्रांजैक्शन है वो हमेशा एक सेशन में चलता है. जिसको अगर कंप्यूटर की भाषा यूज़ करें तो एक सेशन चलता है. अगर बीच में आपका कॉल आ भी जाता है तो वो जो मोबाइल फ़ोन का जो ट्रांजैक्शन का सेशन है वो चलता रहता है. इसमें ये है कि हर बैंक का अपना अपना सेशन का टाइम है. जैसे कुछ बैंकों ने 2 मिनट रखा हुआ है, कुछ बैंकों ने 3 मिनट रखा हुआ है. तो अगर 2 मिनट के अंदर आपने उस सेशन के सारे ऑप्शंस को यूज़ कर लिया, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो 2 मिनट के अंदर आपने अगर सारे ऑप्शंस दबा दिए, सारे सही जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो डाल दिया उसमें, तो वो कॉल आने के बावजूद भी कंप्लीट हो जाएगा. इसमें ये भी एक जानने की ये बात है कि जो सेशन है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म भी हो जाता है. जैसे ही 2 मिनट ख़त्म हुए या जो भी टाइम उसका ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो जाएगा. और उसके बीच में भी अगर आपका कॉल आ रहा है तो ये जो USSD का जो ट्रांजैक्शन है वो अंतिम पड़ाव पर, जो सारे ऑप्शंस के बाद अंतिम पड़ाव पर आपसे एक कन्फर्मेशन मांगता है कि आप इसी यूज़र को या इसी उपभोक्ता को फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं. अगर वो, जब तक आप वो कन्फर्मेशन नहीं देंगे तब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी नहीं. तो अगर उसके पहले आपका कॉल आ जाए या फ़ोन बंद हो जाए या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आ जाए तो जब तक वो कन्फर्मेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा. तो आपका जो बैंक खाता है जिसमें जितना बैलेंस है वो उतना का उतना ही रहेगा. हम करीब 4 साल से भारत में कार्यान्वित है
और हज़ारों लाखों लोग इसको रोज़ में इस्तेमाल करते हैं, तो ये ट्राइड और टेस्टेड है, नई चीज़ नहीं है, इसको हम और बेहतर कर रहे हैं और इसको लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत सेफ़ और सिक्योर है। पुनीत, ये बताइए कि क्या सारे बैंकों में USSD की सुविधा है? जितने भी मेजर बैंक्स हैं भारत के, वो सारे बैंक इस पे हैं। इस पे सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी बहुत सारे हैं, तो इसमें ये सोचने की बात नहीं है कि आपका बैंक इस पे नहीं है। जितने भी सारे बड़े बैंक हैं भारत में, वो सारे इस सुविधा को प्रदान करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो किसी भी बैंक के आप कस्टमर हैं तो आप इसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनीत, मुदित, और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि ये जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भाई बहन हैं, दोस्त हैं, जो ये नॉर्मल मोबाइल सबके पास होता है आजकल, अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, मेरा आप और हमारे पैनल का सबसे अनुरोध है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, ताकि हम लोग डिजिटल भुगतान की ओर मूव करें। रुचि, पुनीत और मुदित, आप सबका इतनी सरलता से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।